हरप्रीत, हरप्रीत मुझे अपना फोन देना, मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है। हरप्रीत, हरप्रीत क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ये लड़का कौन है जिसने तुम्हारे लिए होटल में रूम्स बुक कर रखे हैं? ये मेरा कलीग है, मतलब मेरा फ्रेंड। वो मेरे बॉस का बर्थडे था ना, तो उसकी सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे थे। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है हरप्रीत, मैंने सारी चैट्स पढ़ ली है। मेरा फोन दे दो। और पढ़ लिए तो क्या हुआ, और आज के बाद मुझसे टोन में बात की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझ में आया? टोन तुम मुझे यहाँ धोखा दे रही हो और तुम मुझसे एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुमसे अच्छे से बात करूँ? हाँ तो ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे मर्जी जीऊँ, मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगी। हरप्रीत, वी आर इनटू रिलेशनशिप। अरे शादी की हमने एक दूसरे से, जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा ना। शादी तो खत्म करते हैं, नहीं चाहिए मुझे ऐसी शादी। और हाँ, वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ रहने का, और मैं टायर्ड हो चुकी हूँ तुमसे और तुम्हारी फैमिली से। हरप्रीत अपनी लिमिट में रहो, समझी? लिमिट? अच्छा तो मैं दिखाती हूँ तुम्हें मेरी लिमिट। अब तुम मेरे लॉयर से बात करना। हेलो सर, नितिन बात कर रहे हैं? यस सर, मैं आपकी वाइफ के लीगल एडवाइजर एडवोकेट बात कर रही हूँ। आपकी वाइफ ने आपके ऊपर डाउरी का केस किया है। डाउरी का केस? बट मैम हमने तो ऐसी उससे कोई डिमांड नहीं रखी। अब ये तो आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा ना। देखिए मैं तो आपको एडवाइस करूंगी कि आप दोनों म्यूचुअली सेटलमेंट कर लो इसको, नहीं तो आपकी और आपकी फैमिली को बहुत दिक्कत होने वाली है। थैंक यू सो मच। बट मैम, हेलो हस्बैंड, हाउ आर यू? तो लॉयर से तो बात हो गई होगी तुम्हारी। क्यों कर रही हो तुम ये सब? सिंपल, मुझे पैसा चाहिए, मेरा लाइफस्टाइल है, मुझे लाइफ सिक्योरिटी चाहिए। और देखो, या तो तुम मुझे पैसा दे दो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जेल जाना पड़ेगा, और फिर जेल में बैठ के पीसना चक्की। शट अप, मैंने और मेरी फैमिली ने कुछ भी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, समझी? और जो तुम ये कर रही हो ना, ये मैं कोर्ट में प्रूफ कर दूंगा कि तुम गलत कर रही हो। मुझे अपने कानून पर पूरा भरोसा है, समझी? चलो अभी तुम निकलो यहाँ से। I said get out. Get out! तो अब तो सबको ये भी पता चल गया है कि तुम मेरे ऊपर चिल्लाते हो। हेलो। सुनो, जो तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है ना, इसमें तुम या मैं कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं कर सकता? अरे बट सर, आप इतने बड़े लॉयर हैं, आप कुछ तो कीजिए। देखो नितिन, उन लोगों ने तुम पे डाउरी केस किया है जिसके ऊपर धारा सेक्शन 498 लगा हुआ है, जो कि नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल? बट सर, मैंने और मेरी फैमिली ने उसके साथ कभी ऐसी डिमांड ही नहीं रखी। देखो नितिन, ये प्रूफ करने में बहुत टाइम लग जाएगा, उससे पहले तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जेल जाना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं बस अभी के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी तुम्हारी वाइफ की डिमांड्स है ना, वो तुम सारी पूरी कर दो। ओके सर, ओके, मैं करता हूँ कुछ। थैंक यू। हेलो, क्या चाहिए तुम्हें? सो फाइनली, देखो मुझे तुम्हारी दोनों प्रॉपर्टीज चाहिए। पागल हो गई होगी, अगर मैं दोनों प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगा तो मैं और मेरी फैमिली कहाँ रहेंगे? वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो सब तो तुम्हें मुझे एटीट्यूड दिखाने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब या तो तुम मुझे प्रॉपर्टीज दो या फिर जेल जाओ। अच्छा, तो तुम अपनी लाइफ स्टाइल के लिए, अपनी लाइफ सिक्योरिटीज के लिए हमें जेल भिजवा दोगी? हाँ ठीक है, फाइन। आज शाम को मिलते हैं, मैं दोनों प्रॉपर्टीज के पेपर लेके आऊँ। ओके, दैट्स ग्रेट। क्यों कर रही हो ये सब? क्योंकि तुम लोग ये डिजर्व करते हो। यार हम लोगों ने तुम्हारे साथ किया क्या है, हा? और तुमने फालतू में वो झूठा डॉरी का केस लगा के हम लोगों को इतनी बड़ी सिचुएशन में डाल दिया कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि हम इससे निकलेंगे कैसे। हाँ, फेक केस तो मैंने किया है तुम्हारे।
अब मैं क्या करूँ बताओ, मुझे भी पैसे चाहिए, लाइफ सिक्योरिटी चाहिए, और तुम्हें तो पता है ना कि मेरे पापा ने शादी पे कितना पैसा खर्च किया था, तो उसका 3 गुना तो मुझे चाहिए ना नितिन। अच्छा, तो मतलब तुम अपनी लाइफ स्टाइल के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल सिक्योरिटीज के लिए हम लोगों को जेल भेज दो। अब क्या कर सकते हैं, हमारा लोही ऐसा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बट मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। मतलब? हाँ, तो अब बताओ तुम्हें मेरी प्रॉपर्टीज में कितना हिस्सा चाहिए, क्या क्या चाहिए तुम्हें बताओ। हाँ? तुम जैसे लोगों की वजह से ना, जो लोग सही होते हैं ना, उन्हें उनका हक नहीं मिलता। अब ये वीडियोस में ना मैं तुम्हें करूंगा एक्सपोज, मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि आगे से कोई किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। अब निकलो यहाँ से। मुझे तो मैं बताऊ।